देवा रे देवा, कब मिलेगा मेवा? अरे पापा, किस घर में लाके पटक दिया आपने मुझे? और वो बुढ़िया सुबह शाम बस मन्नू 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 के नाम की माला जपती रहती। मैं तो जैसे उसे दिखाई नहीं देती, ना ही मेरे बच्चे। आई शपथ पापा, मेरा बस चले ना तो इस मन्नू की बच्ची को ना इसके आई बाबा के पास हमेशा हमेशा के लिए भेज दो। जीते जी इसके आई बाबा ने मुझे चैन से रहने नहीं दिया और मरने के बाद इस मनुष्य को मेरे मत्थे छोड़ दिया। लेकिन पापा मैं भी देखती हूँ, ये बुढ़िया इस मनु को मुझसे कब तक बचाएगी? आई शपथ दे, इस मनु को ना मैं ठिकाने लगा कर रहा, क्योंकि जब तक मैं इस मनु को ठिकाने नहीं लगाऊंगी तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। और जिस दिन इसको मैंने ठिकाने लगा, फिर ये घर और इस घर की हर एक चीज पर बस मेरा राज होगा और मेरे बच्चों का। हर चीज मेरी मुट्ठी में होगी। इस घर की इकलौती मालकिन मैं होंगी। देखो पापा, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, इसे पूरी करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने अगर मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया ना तो मैं पूरे 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अच्छा ठीक है, आपके लिए 201 का प्रसाद, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। देखिए पापा, आप ना मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मन्नू की बच्ची को ना इस घर से मक्खी की तरह निकाल के बाहर, इस घर से क्यों, इस दुनिया से क्यों? देवा रे देवा, बहुत जल्द मिलेगा मेवा।